नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में किसानों की मुख्य समस्या खाद्य की आपूर्ति। प्रशासन ने बैठक लेकर जाने किसानों की समस्या। ब्लॉक काचरोद के किसान संगठन प्रमुखों से चर्चा। विधानसभा के SDM हुए अलर्ट। मध्य प्रदेश में किसानों को खेती फसल में यूरिया खाद को लेकर जगह जगह आंदोलन धरना प्रदर्शन किसानों द्वारा किया जा रहा है। कलेक्टर आशीष सिंह ने भी किसानों के खाद की कालाबाजारी करने वालों के लिए सख्त हो गए। वहीं सभी तहसीलों में SDM को खाद की समस्या से निपटने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। उज्जैन संवाददाता शंभू राठौड़ की रिपोर्ट। ब्लॉक को लेकर एक संयुक्त बैठक किसानों संगठन की क्या मुद्दा था किसानों के साथ संगठन के साथ? मुख्यतः किसानों को खाद जो है सुलभता से और उचित दाम पर सुलभता से उपलब्ध हो सके, इसके संबंध में चर्चा की उनसे, उनसे जानकारी ली करके किसी को कोई परेशानी आ रही हो तो। अभी फिलहाल ऐसी कोई शिकायत नहीं है, उनके द्वारा यह अवगत कराया गया है। एक समस्या उन्होंने जरूर बताई कि सोसाइटियों में जो है नगद में यूरिया नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में हमने DD एग्रीकल्चर से चर्चा की है और उनका कहना है कि संभवतः आज शाम तक कुछ इसके संबंध में वो आदेश जारी कराने वाले हैं। सर, कुछ किसानों की बात है कि बाजारों में अधिक कीमत पे खाद मिल रही है और सोसाइटी पे कम मिल रही है। बाजार में यूरिया अभी है ही नहीं, प्राइवेट में अन्य कोई खाद वगैरह सा कुछ तो यूरिया बाजार में भी आएगा तो उसका, जब भी बाजार में आएगा कृषि विभाग के अधिकारी या उद्यानिकी विभाग के अधिकारी जो है खड़े होकर अपने समक्ष में वितरण कराएंगे।